जाने माने इंडस्ट्री में बहुत जाने माने हैं और काफ़ी बरसों से बहुत सी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, तो मैं अपने तजुर्बे से कह सकती हूँ कि बहुत ही म्यूज़िकल माइंडेड थे, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही काइंड, बहुत ही जेंटल, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनके उनकी फिल्म जो थी दीवाना, उसके सारे गाने मैंने गाए थे, हर दिल जो प्यार करेगा, उनकी बहुत सी फिल्मों में मैंने सारे गाने गाए हैं। और जब भी रिकॉर्डिंग्स पर भी बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही और काफ़ी म्यूजिकल थे, काफ़ी क्रिएटिव थे, कुछ कुछ आके बताते थे कि इसको अगर ऐसे करें तो कैसा हो, अगर इसको ऐसे गाएं तो कैसा हो। एंड वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कभी टेम्पर लूज़ नहीं करते थे, हमेशा बड़े प्यार से बात करते थे। और हमारे पड़ोसी भी थे कि हमारी बिल्डिंग में ही रह रहे थे, अभी वो इसी बिल्डिंग में रह रहे थे जहाँ हम लोग रहते हैं। ये कहूँ कि बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री को। ये जो डायरेक्टर्स हैं, यही तो सब पिलर्स हैं इस इंडस्ट्री के, और इनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ऑफ़ कोर्स उनके उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो डायरेक्टर के पहले वो परिवार के सदस्य थे, उनके उनकी बीवी, उनके जो बच्चे हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंडोलेंसेस। और क्या कह सकते हैं, इस पर किसी का बस नहीं होता। काफ़ी बरसों से उनकी तबीयत ख़राब थी और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वो अपने आप से, और हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से जगह जगह उन्होंने अपने इलाज करवाए, और शायद साथ नहीं दिया था तीर ने, मेरे ख्याल से। वेरी सैड। या एक तो मैं कहूंगी कि रवि के साथ मैंने हर दिल जो प्यार करेगा शूट की है, तो भी ही वॉज बहुत गुड नेचर्ड, बहुत पॉजिटिव, बहुत फ्रेंडली, वेरी फनी, वुड कीप सिंगिंग ऑल द टाइम। और मुझे ये मतलब सरप्राइज हुआ, मैंने ये बिल्डिंग में शिफ्ट किया। राजी मेरे नेबर हैं, ये वो बीट में रहते हैं, सो आई थिंक इट्स एज अ नेबर आई बीन फॉर द लास्ट 2 डेज एंड इट्स वेरी शॉकिंग। आई नो वो बीमार थे, लेकिन ही वॉज ओनली 53 और 54 एंड इट्स सैड दैट ही इज पास्ड अवे।